शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक तरफ जहां 15 सालों का शासन है तो दूसरी तरफ 15 सालों का वनवास। एक तरफ जहां सत्ता विरोधी लहर है तो वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व की कमी। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता के जेहन में है एक ही सवाल, इस बार कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए अगले दो बेहद खास मेहमानों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी का, और उनके साथ होंगे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों मंच पर आए और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रोमाना। शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान। बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ मौजूद है। देखिए, चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है लेकिन मौका यहाँ पर दोनों बड़े जो राजनीतिक दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए 2019 के संदर्भ में बनता हुआ नजर आएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों से। इसी वजह से जोर आजमाइश जो है वो सिर्फ एक प्रदेश भर के चुनाव के लिए नहीं बल्कि बिसात 2019 के लिए ही बिछाई जा रही है। लेकिन क्योंकि प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे में अग्रवाल साहब पहला सवाल मेरा आपसे ये कि वादा आप लोग करते हैं 2100 रुपए एमएसपी धान की दिलवा देंगे आप लोग, लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं। अब केंद्र में आप ही की सरकार, वो दिला नहीं पाते हैं, किसान परेशान है, किसानों का गुस्सा भारी पड़ जाएगा आप ही की सरकार पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का किसानों का गुस्सा नहीं है, और आपको ये बता दें 2100 के नज़दीक हम पहुंच गए हैं। एमएसपी 1770 रुपये है, 300 रुपये हम बोनस दे रहे हैं, तो बीजेपी ने तो लगभग अपना वादा पूरा कर दिया। 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य इस वर्ष बीजेपी देने वाली है, तो बोनस और भी तो तीन बार ही मिला है 5 साल में। बोनस क्या देश ये सच की नहीं है? देश की पहली सरकार है जो बोनस दे रही है। ऐसा देश में कौन सी कांग्रेस की सरकार है जिसने बोनस दी है? पिछले 50 सालों में कांग्रेस की किसी सरकार ने बोनस नहीं दिया है, सिर्फ बीजेपी की सरकार है जो बोनस दे रही है। और इसलिए बोनस जो है वो किसानों के लिए अतिरिक्त है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार है जो 300 रुपए बोनस पिछले 3 सालों से दे रही है। और इस वर्ष तो हम बोनस एमएसपी के साथ में, धान खरीदने के साथ में ही हम बोनस दे देंगे, और ये देश में पहली सरकार है जो धान के प्रोक्योरमेंट पर प्रोक्योरमेंट के साथ में ही पेमेंट कर देती है। बाकी जगह तो लोग चेक लेके घूमते हैं, खातों में पैसा नहीं जाता है। हमारे किसान को जिस दिन वो धान बेचता है उस दिन उसके खाते में पैसे चले जाते हैं, और इस वर्ष तो 300 रुपए बोनस भी उसी के साथ में पहुंच जाएगा, तो किसानों की दिवाली और अच्छी होगी, अच्छी दिवाली वो मनाएंगे। जी सर, बोनस पैसा मिल जाता है लेकिन वादा तो अधूरा रह जाता है ना, और इसी वजह से सवाल। लेकिन अब बात जो कह रहे हैं अग्रवाल साहब कि कांग्रेस ने किया क्या, और कुल मिलाकर अगर आप जाएं तो आरोप यही कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ बदलाव होना चाहिए लेकिन विकल्प के तौर पर कोई नजर नहीं आता है, और उसी का नतीजा है 15 साल से रमन सरकार जो छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, और इस बार भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, ऐसे आरोप राशिद अल्वी साहब। देखिए, पिछले 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर 27 एजिटेशंस किसानों के हुए हैं। अगर किसान खुश है तो वो एजिटेशन क्यों कर रहा है, सड़कों पे क्यों उतर के आ रहा है? और हमारा मुकाबला आप कैसे कर पाओगे? हमने 70,000 करोड़ का कर्ज़ा किसानों का माफ़ किया, और जब हम कर्ज़ा माफ़ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, रविशंकर प्रसाद जी के साथ मेरी बातचीत थी तो वो बोलते थे, बजट में पैसा कहाँ है, कहाँ से लेके आओगे आप ये पैसा, आप सिर्फ बयान दे रहे हो, आप कर नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी बीजेपी नहीं है कि सिर्फ नारों की बुनियाद पे देश के लोगों को गुमराह करती है। हमने जो कहा है वो किया, और किसानों के लिए हमने कानून बनाया कि उनकी ज़मीन बग़ैर उनकी मर्ज़ी के नहीं ली जा सकती है। प्रधानमंत्री ने 3 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, एक के बाद एक कि ज़मीन को एक्वायर किया जा सकता है किसान की बग़ैर उसकी मर्ज़ी के। किसको दी जाएगी वो ज़मीन?
पैसे वालों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्या ये सच्चाई नहीं है? तो आप किसानों की बात तो मत कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आप चुनाव हार जाएंगे, आपको वोट नहीं पड़ेगा। तो नहीं हो रहा ना सर, ये तो होता है ना, कॉरिडोर्स बनते हैं इकोनॉमिक, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों को मौका मिल गया, आप लोग ने सूट बूट की सरकार का एक आरोप चस्पा कर दिया और जमीन की क्योंकि बात निकली है। ऐसे में अग्रवाल साहब यहाँ छत्तीसगढ़ में आए तो फिर समझ में आया कि कुछ आरोप लगे जमीन के मामले में। सर आप कहाँ फंस गए, जांच वाँच भी हो रही है, आप ही की सरकार करवा रही है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जमीनों के मामले में जितनी स्पष्ट नीति मोदी जी की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाई है उतनी अच्छी नीति आज छत्तीसगढ़ में तो हमारे खेती का रकबा बढ़ा है। आज छत्तीसगढ़ में खेती का रकबा कम नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी। हमने लगभग 3.5 लाख किसानों को वन भूमि का पट्टा दिया है और वन भूमि के पट्टे के साथ साथ में उनको बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, उनकी जमीन का समतलीकरण करवा रहे हैं और उसके कारण छत्तीसगढ़ में जो हमारा उपज है वो उपज जो पहले 60 लाख टन पैदा होती थी वो आज 1.10 करोड़ टन पैदा हो रही है। तो आज छत्तीसगढ़ में किसानों के मामले में मैं तो कहता हूं कि दलवी साहब बोल रहे हैं शायद छत्तीसगढ़ में 27 आंदोलन की बात कर रहे हैं, 2.7 आंदोलन भी नहीं हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई किसानों का नहीं हुआ है। लेकिन आत्महत्या का आंकड़ा किसानों का जानते हैं ना आप? कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर रोज 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सबसे खराब रिकॉर्ड अगर किसी का है तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र का, राजनांदगांव का। अब बताइए, देखिए छत्तीसगढ़ में एक भी किसान खेती के कारण आत्महत्या एक भी किसान ने नहीं की है। अगर आप आत्महत्या के आंकड़े देखेंगे तो सामान्य शहरी क्षेत्रों में ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय। जो स्वाभाविक आत्महत्याएं हैं उन आत्महत्याओं को आप खेती से जोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ में एक भी किसान की जमीन नीलाम हुई है तो कोई जरा बताए। छत्तीसगढ़ में एक भी किसान को कर्जे के कोई नोटिस मिली हो तो जरा कोई बताए। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में एक भी किसान ने खेती के कारण आत्महत्या नहीं की है। जो स्वाभाविक आत्महत्याएं हैं उसमें किसानों के आंकड़े हो सकते हैं परंतु खेती के कारण एक भी किसान ने आत्महत्या तो नहीं की है। कांग्रेस कहां से आंकड़े निकाल कर लेकर आ रही है राशिद अलवी साहब? देखिए वो आंकड़े सारे देश के अंदर हैं और अगर आप आंकड़ों पर नहीं जाते, यहाँ मैं एक अपने मित्र एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं यहाँ पे, मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती है आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर उनकी चर्चा आपके साथ बैठ के करूं। लेकिन बताइए तो सही, आपके मुख्यमंत्री पे इल्ज़ाम है, पनामा के अंदर उनका नाम आ रहा है, उनकी फैमिली का नाम आ रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ की कोर्ट ने इस्तीफ़ा दिला दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ना मुख्यमंत्री छोड़ने को तैयार है ना आप छोड़ने को तैयार हो। ये तो सारा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश अच्छी तरह जानता है। और आप किसान की बात करते हो, अभी दिल्ली के अंदर 20 लाख किसान दिल्ली को घेरा था, आपको मालूम होगा, पार्लियामेंट पे जाना चाहते थे, अपनी डिमांड कर रहे थे। 20 लाख का आंकड़ा वैसे बड़ा दिलचस्प निकाल कर 10 लाख मानिए, 5 लाख मानिए, 2 लाख मानिए। जो किसानों के नेताओं ने क्लेम किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर 2 लाख भी थे तब भी आप 2 लाख कम होती है क्या तादाद? आप बताइए, मतलब 20 से आप दो, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो किसानों के लीडर कहते थे कि हम 20 लाख आदमी लेकर आए हैं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या संविधान उनको यह हक नहीं देता है कि वो आए और अपना डिमांड रखें, अपना एजिटेशन करें? ठीक है, लेकिन आपने क्या किया उनके साथ? आपने उन्हें डंडे मारे, आपने पानी उनके ऊपर छिड़का, उनको जख्मी किया, वो इंजर्ड हो गए। क्या यही सलूक है किसानों के साथ, जो भूखे पेट को भरता है, जो इस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों की भूख को देखने का दूसरा तरीका भी है ना, दिल्ली में आने देते, दिन का वक्त था, ट्रैफिक की समस्या हो जाती, कुछ ऊंच नीच हो जाती, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस बहस में हमें नहीं जाना चाहिए ना, नहीं, सर? नहीं, उस बहस में हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा सवाल, इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रोमाना जी, छत्तीसगढ़ की जनता किसको वोट देगी इस पर हमारा फोकस है। और ऐसे में अग्रवाल जी जो एक बात राशिद अलवी साहब जमीन की जो आपने बात की है, जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए जमीन का मामला सीधे आप घिरते हैं जमीन के मामले में, आप ही की राज्य सरकार जांच करा रही है ना सर। अब भ्रष्टाचार और क्या भ्रष्टाचार की मिसालें निकल कर आएंगी? मैं मेरे ऊपर मामला आरोप लगा है, किसी ने शिकायत नहीं की है ये आपको बता दूं। और मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि मेरे व्यक्तिगत मामलों को लेकर कोई भी किसी भी एजेंसी से, देश की किसी भी एजेंसी से जांच करवा ले,
मैं आज उस बात को कहना नहीं चाहता, मेरे पास सब चीजों के प्रमाण पत्र हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गलती किसी जमीनों के मामले में नहीं है। जिस दिन कोई ये प्रमाणित कर देगा, अरे कांग्रेस के लोग और बाकी लोग तो खाली उनका एक ही काम है आरोप लगाना। देश में एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों में क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट में जाइए, आप लोकायुक्त में जाइए, आप ईओडब्ल्यू में जाइए, आप शिकायत किया है तो आप कार्रवाई करवाइए, उसके लिए हम तैयार हैं। झूठे आरोप तो कोई भी राजनीति में झूठे आरोप तो रोज लगते हैं, परंतु उस आरोपों को प्रमाणित तो कर दिखाए। 15 साल में कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार के खिलाफ में एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है, और इसीलिए 3 बार सरकार बनी और चौथी बार भी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस खाली झूठे आरोप लगाते हैं। अग्रवाल जी कर रहे हैं, और देखिए सवाल यहां पर यह कि यहीं बैठकर राशिद अलवी साहब आप किसानों का मुद्दा इतनी जोरदार तरीके से उठा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर करती हुई नजर क्या आती है कांग्रेस? कांग्रेस कुल मिलाकर सीडी के मामले को आगे रखती हुई नजर आती है, ऐसा क्यों? मतलब सीडी की डर्टी पॉलिटिक्स ये करेगी कांग्रेस? देखिए छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त ने कहा है कोई स्कीम सरकार की ऐसी नहीं है जिसके अंदर करप्शन ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहां के लोकायुक्त कह रहे हैं, और आप ये फरमा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। करा लीजिए हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा? सरकार में आप, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, हम तो आवाज ही उठा सकते। आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे नहीं, और किससे कराएंगे? आज तो सीबीआई कटहरे में खड़ी है, लोगों का विश्वास सीबीआई से टूट गया है। और क्यों टूटा है? अगर प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट सीबीआई के अंदर लेकर आएंगे तो यही होगा जो हो रहा है। आपको मालूम है कि विजय माल्या क्या दरख्वास्त दे रहा है अदालत के अंदर? वो कह रहा है कि ऐसी सीबीआई पे जो मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब देश के लोग भरोसा नहीं कर रहे, वो अदालत विजय माल्या के फेवर में फैसला कर देगा। अरुण जेटली की बेटी और सन इन लॉ वकील हैं चौकसी के, पैसे लिए हैं उनसे। आप करप्शन की बात करते, आप भ्रष्टाचार की बात करते, राफेल के अंदर आप शामिल, सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए का, और आप करप्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हालत आज पूरे देश की आपने कर दी है। मैं आपसे कहूँगा, अदब के साथ कहूँगा, आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री और आप इस्तीफा दीजिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, और वो जो सीडी थी, डर्टी सीडी, उसकी जांच भी सीबीआई कर रही थी सर, वो भी रुक गई बीच में? देखिए मेरा बीच में रुकी नहीं है, मेरा तो ये कहना है कांग्रेस के पास में कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, और जैसा दलवी साहब कह रहे हैं कांग्रेस तो मजबूर हो गई है, कांग्रेस के पास में ताकत नहीं बची है, कांग्रेस के पास में दम नहीं बचा है, कांग्रेस एजुटेशन नहीं कर सकती, कांग्रेस देश की जनता को नहीं समझा सकती। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि 3 बार, अब 2 महीने पहले इस्तीफा, चुनाव के, आज चुनाव में 20 दिन बचे हैं, तब दलवी साहब इस्तीफे की बात करते हैं। अगर दलवी साहब और इनकी पार्टी में ताकत है तो जनता के बीच में जाए और चौथी बार सरकार बनने से रोके, हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। ये जनता के बीच से सवाल आया है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार आप बना लेंगे, चेहरा तो बता नहीं पा रहे हैं कौन होगा। मतलब सर देखिए, सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां तो कांग्रेस की मजबूरी समझ आ सकती है कि भाई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ तो शायद उल्टा मामला हो रहा है, यहाँ तो ढूंढे से कोई नहीं मिल रहा आप लोगों को। देखिए एक बात मैं कहूँ, ये सवाल मीडिया बहुत बार उठाता है और बीजेपी ये छत्तीसगढ़ में लगातार उठा रही है, क्या आपका लीडर कौन है? क्या आपका संविधान में विश्वास नहीं है? संविधान के मुताबिक जो MLAs चुने जाते हैं वो अपना मुख्यमंत्री तय करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। पंजाब में कांग्रेस को संविधान पे विश्वास नहीं था, वहां तो कैप्टन साहब का नाम पहले ही अनाउंस कर दिया था। मतलब संविधान पे विश्वास भी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। सहूलियत का सवाल नहीं है, आप या तो ये कह दीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ। संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिसको चुने हुए MLAs तय करें। मतलब अगर नेता होगा तो पहले से नेता होंगे तो फिर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, अब नेता ही नहीं है तो नाम का ऐलान कहां से होगा? देखिए ऐसा नहीं है। हाँ जी, हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करते। जो MLAs चुनेंगे, और इस बार छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी और 2019 के अंदर हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। आपने देश को बर्बाद करके रख दिया, आपको एहसास नहीं। और मैं बड़े अदब से एक बात और कहूंगा, जब बीजेपी और हमारी बहस होनी हो तो बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने रखिए
और इनसे कहिए कि एक एक बात पर आप जवाब दीजिए कि आपने क्या किया, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो और चाहे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हो। वो तो कह रहे हैं जबानी तौर पर तो तीन बार जनता ने विश्वास जताया है और चौथी बार भी जनता विश्वास जताने के लिए तैयार है। आप पिछले तीन बार से भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, चौथी बार के लिए अग्रवाल साहब आपकी क्या तैयारी ये बताइए। देखिये, बीजेपी की तैयारी है, हमने विकास किया है और विकास करेंगे। खाली कांग्रेस के जैसे हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, हमने एजेंडा फिक्स किया है विकास का जी। और आज छत्तीसगढ़ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ का GSDP जो है वो 3 गुना बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में कभी 5400 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी, आज 25000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। आज छत्तीसगढ़ में जो 60 लाख क्विंटल धान पैदा होता था वो 1,10,000 क्विंटल धान पैदा हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में सड़क जो 29,000 किलोमीटर थी आज वो 54,000 किलोमीटर हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार विकास के ऊपर में जा रही है। मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, आप रायपुर देख रही होंगी, रायपुर जो लोग 5 साल 10 साल बाद आ रहे हैं उनको लगता है कि रायपुर में कितना परिवर्तन हो गया है। आज देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई स्टेट है तो छत्तीसगढ़ स्टेट है, और देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर है तो रायपुर शहर है। और इसी विकास पर जनता हमको चौथी बार सरकार में लाएगी, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। नहीं, लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है, इतने विकास के काम आपने गिना दिए, इतना आप बता रहे हैं विकास किया है, जनता दोबारा से चुन लेगी, फिर भी लकी मैस्केट, योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, उनकी भी जरूरत पड़ रही है। मतलब विकास के साथ हिंदुत्व भी चाहिए बीजेपी को जीतने के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक इंटीग्रेटेड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने देश के सब नेताओं का उपयोग करती है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इस रूप में नहीं करती है ना, जिस रूप में योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल किया जाता है। योगी आदित्यनाथ, देखिए त्रिपुरा, गुजरात, कर्नाटक, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हर जगह स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और अगर ऐसे ही प्रयोग करती रहेगी तो 2019 में भी हम मानकर चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे। निश्चित रूप से होंगे होंगे। बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में नेताओं की कमी है कि वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के पास तो पूरे देश में सैकड़ों नेता हैं जिनको स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी पूरे देश में घुमा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी 12 महीना काम करने वाली पार्टी है, बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। आदित्य योगी नाथ जी के आने से अगर हमारे वोट बढ़ते हैं तो हम उनको बुलाएंगे। USP उनकी हिंदुत्व नहीं, उनकी USP जो है बीजेपी के नेता है। देखिए, आप लोग तो आरोप लगाते रहते हैं कि हिंदुत्व के घालमेल के लिए चुनाव में बुलाया जा रहा है, आपके मतलब आरोप बेबुनियाद है। एक तो मैं कहूँगा अपने मित्र से कि जब नेताओं को बुलाएं सोच समझ के बुलाएं। योगी जी को आप बुला रहे हैं, अभी अपनी गोरखपुर के जहाँ के वो MP हैं वहाँ पार्लियामेंट हार चुके, इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हार चुके, केरला का बाई इलेक्शन हार चुके, निश्चित तौर से वो छत्तीसगढ़ में पांव पड़ गए हैं, आपको चुनाव हरा के चले जाएंगे। नहीं सर, लेकिन कर्नाटक में गए, कर्नाटक में गए और जिन जिन सीटों पर प्रचार किया वहां पर कांग्रेस के मुंह से जीत खींच कर ले आए। ऐसा गुजरात में गए, जहां जहां प्रचार योगी आदित्यनाथ ने किया वहां जो आप समझ रहे थे कि आप जीत जाएंगे बड़े आराम से, ऐसा है आप लोगों को हार मिली। ऐसा है जी, इंटेलिजेंस इनके पास है। योगी जी जहाँ जाते पहले मालूम करते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, वहीं जाते। और एक बात और कहूंगा मैं, देखिए ये जानकारी आपको कैसे मिली है राजीव दलवी साहब, ये आपके पास जानकारी कैसे आई कि पहले इंटेलिजेंस के जरिए मतलब सर्वे कराया जाता है और जो जीतने वाली सीट होती है वहाँ योगी आदित्यनाथ जाते। ये कैसे आपको ये जानकारी, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, हम भी कर्नाटक में तो सर आप ही की सरकार थी, हमें मालूम है कर्नाटक में आपकी सरकार थी वहाँ भी इंटेलिजेंस जो है इनके पास तो सब है, रॉ है, IB है, CBI है। मैं मतलब एक बात और कहूं, में रॉ, IB, CBI इनका इस्तेमाल करती है बीजेपी, क्या आरोप लगा रहे हैं राजीव? बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, करती है इनका इस्तेमाल। अब मैं एक बात और कहता हूँ, छत्तीसगढ़ की धरती तो बहुत पवित्र धरती है, माता कौशल्या की धरती, योगी आदित्यनाथ ने तो कहा ही है भगवान राम का नदियां, सुनिए। और ये ही नहीं है, श्री राम जो उनका वनवास था उसका ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंदर गुजारा, और इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को 14 साल का वनवास दे दिया, 14 साल से राज में तबाह कर दिया उन लोगों को।
इन्हें इज्जत करनी चाहिए थी यहाँ की। सर हर पांच साल में चुनाव होता है, आज ये जनता की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं ये बात बोलकर आप कि 14 साल से वनवास, अगर जनता नाखुश होती तो फिर हटा देती। लोकतंत्र में तो किसी का जोर नहीं चलता है ना, इस बार हटा देगी। और एक बात और कहूंगा, चलिए, लेकिन जो आपने गंभीर आरोप लगाए पहले उस पर तो जवाब ले लें भाई। आप लोग सीबीआई, मेरी बातों का पूरा जवाब दे दीजिए, आप लोग साथ लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, बड़े आरोप लगा रहे हैं अग्रवाल जी, पूरी बात का जवाब दीजिए जी। बात करते हैं जब चुनाव आता है, हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव काहे पे लड़ते हैं? राम मंदिर के ऊपर चुनाव काहे पे लड़ते हैं? धार्मिक सेंटीमेंट्स भड़काकर। 30 साल हो गए आपको ये बात करते करते, अभी फिर आरएसएस के चीफ बोल रहे हैं मंदिर तो वहीं बनेगा, कानून बनाइए। अरे भाई, 4.5 साल से का इत्तफाक है वैसे कि जब चुनाव आते हैं तब राहुल गांधी भी अपना जनेऊ दिखा देते हैं, और बड़ा इत्तफाक कि जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूमते हैं। लेकिन ये सवाल देखिए, अग्रवाल जी से मैं जवाब ले लेती हूं, का भी जवाब दे दूं, पहले एक मिनट उनसे जवाब ले लें उसके बाद आप आ जाइएगा। अग्रवाल साहब, यहाँ से कई जो दागे गए आप पर, तीर गोले कहने चाहिए मुझे, जरा उनके जवाब देखिए। मुझे लगता है जी कि इन्होंने जो बीजेपी के बारे में कहा है वो स्थिति तो आदरणीय राहुल जी की है, जह जह पैर पड़े संतन के तह तह बंठाधार। पूरे देश में जहां जहां वो गए हैं वहां वहां कांग्रेस जमी दोज हो गई है, और आने वाले समय पर भी यही स्थिति होने वाली है। और मेरा तो कहना है कांग्रेस के पास में राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए मुद्दे बचे ही नहीं है। अब वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बजाय आरोप प्रत्यारोप के ऊपर में उतर आई है। अब वो आरोप लगाते हैं सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं, रॉ का उपयोग कर रहे हैं। अरे आप भी सरकार में रहे हैं, इन एजेंसियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे हो सकता है? अगर आपने किए होंगे तो आपके रास्ते, आपने ही रास्ता दिखाया होगा। मेरा कहना है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुद्दा विहीन हो गई है, और सिर्फ वो आरोपों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, और ये आरोप जनता ने पिछले 15 साल से नकारे हैं, और इनको 15 साल से इनको रावण की पार्टी के रूप में बैठाया हुआ है। नहीं, लेकिन आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप ये लगते हैं कि भाई जब चुनाव का मौका आता है तो जोर से बोलो जय श्री राम, जब चुनाव का मौका आता है तो राम मंदिर की याद आ जाती है। मतलब केंद्र के अंदर इतने साल से सरकार बीजेपी की है, और अब जाकर याद आ रहा है कि बीजेपी के नेता सब ठाट में हैं और रामलला जो है वो ठाट में है। मानते हैं कि हिंदुस्तान के विकास में राम मंदिर का मुद्दा भी एक विकास का मुद्दा है। जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन हिंदुओं के मन में जागृति आ जाएगी, वो और ज्यादा तेजी से देश के विकास में लगेंगे, और इसलिए उसको भी हम विकास का मुद्दा मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो आज से नहीं जनसंघ के जमाने से राम मंदिर का मुद्दा है और आगे भी रहेगा, और जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक ये मुद्दा हमेशा रहेगा। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये परमानेंट मुद्दा नहीं, लेकिन इसी मुद्दे पर भरोसा करके जनता वोट देती आई ना आपको, और इस बार तो जनता ने जब बहुमत के साथ आपको संसद में पहुंचाया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि आप जनता की जो भावनाएं उसके अनुरूप काम करेंगे, लेकिन किया तो नहीं आप लोगों ने। और अब 4.5 साल के बाद जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो फिर आया चुनाव का इम्तिहान, जोर से बोलो जय श्री राम, यही हो रहा है सर, और हो क्या रहा है? नहीं, ये तो हमेशा हम कहते रहे हैं, बीजेपी के लोग, मेरी तो गाड़ी में 15 सालों से लिखा हुआ है जय श्री राम, तो हम लोग तो 12 महीना उस मुद्दे को लेकर चलते हैं, और हमारे साथ में हमारे मुद्दे को लेकर अब मुस्लिम समाज भी साथ में आ रहा है कि हाँ वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि आप मुस्लिम समाज को भी राम मंदिर के प्रति सहमत किया है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये राशिद अल्वी साहब, ये बीजेपी की जीत है। संघ प्रमुख इसे बाकायदा रेखांकित करते हैं कि आज की तारीख में विरोधी भी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं कर सकते। और हम देखते हैं सर किस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर अगर डिबेट्स होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई हिस्सा भी नहीं लेने आता, आपके सब प्रवक्ता गायब हो जाते हैं। देखिए इस इशू पे कितनी बार मैंने बहस की है, कितने चैनल्स पे मैंने बहस की है, और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी आरएसएस के चीफ ने बयान दिया है कानून बनना चाहिए, 4.5 साल से आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आपकी मेजोरिटी, आपको किसने रोका है कानून बनाने से? बिहार के मंत्री गिरिराज जी कहते हैं कि अगर मुसलमान राजी नहीं होगा तो इस देश का हिंदू इकट्ठा होकर उनको सबक सिखा देगा, ये संविधान की जुबान आप बोलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ किस मुसलमान ने विद्रोह किया, किसने आपकी मुखालफत की कि आप मत बनाइए? एल के अडवाणी जो रथ यात्रा लेकर निकले थे मंदिर बनाने के लिए, उन्हें तो आपने कोने पे बिठा दिया। और मैं आपसे पूछता हूँ अगर राम मंदिर आप बनाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले
अडवाणी जी के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ, उमा भारती के खिलाफ जो यूपी में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कम से कम वो तो विड्रॉ कर लीजिए, उन्हें कटघरे में खड़ा किया। बाद आप फिर हाय तौबा मचाएंगे कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब सरकार, मतलब आप उकसा रहे हैं क्या, या फिर कांग्रेस खुलकर स्टैंड ले, फिर तो कोई बात ही नहीं। कांग्रेस के बीजेपी को कि आईएएस आप मिलकर कानून ले आते हैं संसद के अंदर, आप लोग भी राजनीति करते हैं ना कुल मिलाकर। मंदिर के मुद्दे पर आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पर राजनीति करने का, लेकिन राजनीति करने में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं नजर आती है ना। मतलब जैसी बीजेपी वैसी कांग्रेस, यही हो रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा सर? छलने वाली राजनीति, लेकिन नहीं, हम वो नहीं करते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं, लोगों को गुमराह करने वाली राजनीति, उससे दिक्कत है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जिनके खिलाफ 13 क्रिमिनल केसेस हैं, अपने खिलाफ केसेस विड्रॉ करा सकते हैं। मुजफ्फरनगर के जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ हो सकते हैं, अडवाणी जी के खिलाफ नहीं हो सकता, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ नहीं हो सकता। कैसे मान लें कि आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं और आप कहती हैं कि कानून बनाने की, जवाब दीजिए, कानून बड़े गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। कानून बनाने की बात करती हैं आप, पार्लियामेंट के अंदर सारे देश को कहते हैं हमारी मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा के अंदर। जब डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होता तो आप जिता देते हैं बगैर कांग्रेस की मर्जी के। जब राम मंदिर का मामला आता कहते हैं हमारी मेजोरिटी नहीं है। तो ये बात तो आरएसएस के चीफ और आप सबको पहले से मालूम है। आप सत्ता में हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। हम सवाल करेंगे, आप जवाब दें। अग्रवाल जी जवाब दीजिए सर। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगु क्या। चलिए साहब जवाब लेते हैं। देखिए ये सवाल करें, हम जवाब भी देने तैयार हैं, पर जहां तक राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसका हम पालन करेंगे। अगर दोनों समाज के लोग आपस में बैठकर निर्णय करते हैं तो हम उसका पालन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कोई देश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं करना चाहती। लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जिम्मेदारी तो इनकी पार्टी की है। जब ये विपक्ष में आते हैं तो ये नक्सलवादी समर्थकों का भी समर्थन करने लगते हैं। जब ये विपक्ष में आते हैं तो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात करते हैं। तब दिल्ली में आप किसानों को घुसा दीजिए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करवा दीजिए। आप बंबई में घुसा दीजिए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करवा दीजिए। तो कांग्रेस मछली के जैसे है, पानी से बाहर निकलते ही तड़फने लगती है। उसको विपक्ष की आदत नहीं है और विपक्ष का रोल वो अदा भी नहीं कर पा रही है, सत्ता के लिए छटपटा रही है कुल मिलाकर कांग्रेस। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी एक मिनट राशिद दलवी साहब, बहुत अहम बात यहाँ पर कह दी है, वो जो नक्सलवाद का मुद्दा वो उठा रहे हैं ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोगों ने बहुत करीब से देखा है नक्सलवाद के दंश कुछ सहा एक तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों ने। और पिछले दिनों हमने देखा कैसे राहुल गांधी आ गए थे कथित अर्बन नक्सल्स के समर्थन में। सर उसका फायदा होगा नुकसान, उल्टा दाव पड़ेगा उसका? देखिए ऐसा है, मतलब जो देश विरोधी होगा उसके समर्थन में राहुल गांधी उतरेंगे, ये आरोप लगाए गए। ऐसा है, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी आईना है, दिखाएं क्या? देखिए 25 CRPF के लोग यहाँ पे सुकमा के अंदर मारे गए अप्रैल के महीने में, 11 मार्च 17 के अंदर 12 CRPF के लोग मारे गए, दिसंबर 1, 2014 को 14 CRPF के लोग यहाँ पे शहीद हुए, अप्रैल 11, 2014 को 7 पुलिस वाले हमारे मारे गए, मार्च 11, 2014 को 15 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, और दिसंबर 2013 को तकलीफ की बात है कुर्बानी दी तो VC शुक्ला ने और 8 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी। तो राहुल हमारा इतिहास है, वो अर्बन नक्सल्स के समर्थन में बयान दे देते हैं, ट्विटर पर लिख देते हैं वो उनके समर्थन में बातें, ये जमीनी हकीकत नहीं जानते राहुल गांधी क्या? हमारा इतिहास ये है, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी इस धरती के, इस देश की धरती की मिट्टी में हमारे नेताओं का लहू शामिल है। इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, VC शुक्ला हों, BJP एक मिसाल तो दे, आपने कौन सी कुर्बानी दी है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद?
आप एक नेता नहीं बता सकते। सर मैं नक्सल समस्या पर बात कर रही हूँ, आप अपनी पार्टी की शहादत गिना रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये इतिहास है, इतिहास है। क्या राहुल गांधी नहीं जानते हैं? क्या राहुल गांधी नक्सल समस्या को नहीं समझते हैं? वो अर्बन नक्सलियों के समर्थन में किस तरीके से ट्वीट करके उनके साथ सहानुभूति जता सकते हैं? अगर आप बेगुनाह लोगों को फंसाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जरूर पता है ना, राहुल गांधी भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे। नहीं, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में किस तरीके से फैसला किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना ठीक है मामले को बढ़ने दीजिए। तो हम तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करो, जो गुनाहगार है उसको सजा दो। लेकिन इनका मामला तो ये है कि ये किसी को भी बेगुनाह लोगों को फंसा देते हैं। जेएनयू के वाकया आप सबको मालूम होगा, शोर मच गया कि जेएनयू के अंदर देश विद्रोही लोग रहते हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए आपने? आरएसएस के लोग टोपी पहन के कपड़ा बांध के चले जाते हैं, नारे लगाते हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। ये कभी आज तक कांग्रेस की सरकार भी आरएसएस के ऊपर में कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। और सिर्फ इनको बात करना है, टोपी पहनना क्या इस देश में गलत है? टोपी सम्मान की बात है और टोपी का आप अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने आजादी की लड़ाई टोपी पहन के लड़ी है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। और आरएसएस के मामले में मुझे लगता है आरएसएस फोबियो हो गया है और आरएसएस से ये लोग इतना डरने लगे हैं कि अब आरएसएस के खिलाफ उल जलूल आरोप लगाने लगे हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि कांग्रेस अपने नेताओं की शहादत को याद नहीं करती है, वोट की राजनीति के लिए ये शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देती है। इनके 8 नेता मारे गए पर इनको कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि नक्सलवाद को सपोर्ट करना। यह नक्सलवाद कब बढ़ा है? मध्य प्रदेश में कब बढ़ा? छत्तीसगढ़ में कब बढ़ा? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद हमने पूरे सरगुजा को नक्सलवाद से समाप्त कर दिया। आज पूरे बस्तर में 75% हिस्सा नक्सलवाद को समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव की राजनीति के लिए देश को आतंकवाद में झोंक दिया। आखिर जो नेता मारे गए उनके बारे में कभी आपने समीक्षा की है? कभी आपने देखा है कि उन लोगों को मारने वाले लोगों को बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस जिस दिन वोट की राजनीति बंद कर देगी और देश की राजनीति करेगी, कन्हैया जो देश का विरोध करता है, जो भारत माता के झंडे जलाते हैं, जो भारत माता के विरोध में नारे लगाते हैं, उनके समर्थन में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और आज ये देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके मामले में भी अदालत में कुछ प्रूव नहीं हुआ है ना। लेकिन देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर अग्रवाल साहब, मेरा सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है, क्या यही वजह है कि अब नेता चेहरा कौन ये तो भूल जाइए, आप उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे हैं आपको? करुणा शुक्ला जी को आप मैदान में उतारते हैं सर, राहुल गांधी कहते हैं कि हम पैराशूट उम्मीदवारों को उतारेंगे नहीं, और आप लोग अचानक से लाकर सबसे हाई प्रोफाइल बीजेपी के उम्मीदवार के सामने किसको ला के खड़ा करते हैं? करुणा शुक्ला। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, टोपी की इज्जत हम सब करते हैं, लेकिन हमने तो ये मोदी जी से सीखा है कि जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो हमें लगा कि आप लोग टोपी की इज्जत नहीं करते, ये पूरा देश जानता है। सर मोदी जी तो उसके बाद मस्जिद में भी चले गए ना, वो भी सीख लेते। एक बात, मतलब बेकार में मुद्दों को उलझाना, गुमराह करना। सीधा सवाल मेरे पास ये, चेहरा बता नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चुनाव छत्तीसगढ़ का है, उम्मीदवारों का भी ऐसा अकाल पड़ गया है क्या कि करुणा शुक्ला को लाकर खड़ा करना पड़ रहा है? आप मुझे बोलने नहीं दे रही, जब ये बोलते हैं तो आप बीच में नहीं टोकती, मुझे बात तो करने दीजिए। अब सर आप ये भी आरोप लगाएंगे, बताइए, बात तो करने दीजिए। अब ऐसा आरोप तो मत लगाइए, चलिए, जो उम्मीदवार खड़े करें ना करें ये हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे यहाँ टीवी पे बैठ के बहस नहीं हो सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि आरएसएस की बात करते हैं, सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी और गुरु गोलवालकर जब उनके पास गए, आज सरदार पटेल तो कांग्रेस से ये छीनना चाहते हैं, चूंकि इनके पास अपना तो कोई पूर्वज बड़ा नेता है ही नहीं, तो इसलिए कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हीं को अपना रहे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने 1948 के अंदर आरएसएस पर पाबंदी लगाई और जब ग्रुप हट भी गई थी। देखिए, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को वो अपना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वाजपेयी जी की भतीजी को आपने भी अपना लिया ना, मतलब जैसे वो वैसे आप, जैसे आप वैसे वो, कोई फर्क नहीं है बीजेपी कांग्रेस में। पूरी बात तो करने दीजिए, जब गुरु गोलवालकर जी गए सरदार पटेल जी के पास, इतिहास का पन्ना है कि पाबंदी हटा दीजिए, आपको मालूम है सरदार पटेल जी ने क्या कहा? सरदार पटेल जी ने कहा आरएसएस इस देश के अंदर घृणा फैलाती है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
गुरु गोलवालकर जी की जो बायो आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है, जो राजनीतिक दल नहीं है, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आरएसएस को ले आया। देखिए आरएसएस के बारे में घिनौना कहना, मैं आपकी निंदा करता हूँ, मैं आपकी निंदा करता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, जो उसके बारे में शब्दों का उपयोग, जो बात ये गलत बात है, आरएसएस मुद्दा है, आपने आरएसएस के बारे में इस प्रकार की बात करना, सवालों से बच रहे हैं आप लोग, मुद्दों से बच रहे हैं। मैं तीसरी बार आपके सामने सवाल दोहरा रही हूं, वाजपेयी जी की भतीजी को टिकट देने का मतलब क्या है? क्या आपके पास उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है? मैं वो भी आपसे बात करूंगा, लेकिन पहली बात मैं आपसे कह दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीच में बोलते हैं तो आपकी दुखती रख पर, आरएसएस का स्वयंसेवक हूं मैं, आरएसएस के खिलाफ नहीं सुन सकता, जरूर होंगे, और आरएसएस देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, आप जरूर, आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कोई है तो आरएसएस है। आज देश की बाढ़ में, देश की लड़ाइयों में, चाइना युद्ध में, पाकिस्तान युद्ध में, बाढ़ में, कांग्रेस का काम, मैं एक जुमले में बात कह दूं, उसके बाद आप कहिए। तीन बार सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि अग्रवाल साहब आपकी दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं, मैं कम मना कर रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको बर्दाश्त करूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा हूं कि जो बायोग्राफी, वो देशभक्त संगठन है, वो देश के बाढ़ में, देश के भूकंप में, वो देश की लड़ाइयों में, ट्रेन के एक्सीडेंट में अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो आरएसएस पहुंचता है। आज आरएसएस जो है उसने देश के लिए जितना काम किया है, देश की एकात्मता के लिए जितना काम किया है, राष्ट्रीयता के लिए जितना काम किया है, उतना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। एक सेकंड, मैं आप दोनों से एक बार गुजारिश कर रही हूँ कि कृपया करके मेरे सवालों के जवाब दें, आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। और अग्रवाल साहब, आप जिस तरीके से बार बार बता रहे हैं आप किस तरीके से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे, सर मुझे याद आ रहा है कि संघ जिस तरीके का संस्कार देता है, और कुछ दिन पहले अटल जी की के लिए जो शोक सभा हो रही थी उसमें जो तस्वीरें आई उसने बड़ा प्रश्न चिन्ह सर लगाया आप पर, आपकी वजह से बीजेपी की बहुत शर्मिंदगी हुई सर, क्योंकि अटल जी की शोक सभा थी और वहां पर हम तस्वीरें देख रहे थे, अग्रवाल साहब जो आरएसएस से निकल कर आए हैं, जो सारी संस्कार सारी संस्कृति समझते हैं, वो श्रद्धांजलि सभा में बैठकर ठट्टे मार रहे हैं साहब, ठहाके लगा रहे हैं, हाथ पर हाथ ताली पीट पीट कर, ये कौन से संस्कार सर? अब आपको बता दूं, उस समय श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ नहीं हुई थी, और प्रारंभ होने के पहले के वो तो मुख्यमंत्री जी मंच पर नहीं आए थे। अगर किसी चीज को इशू बनाना है तो कभी भी बनाया जा सकता है। आप किसी के शोक में अगर शमशान घाट पर भी जाते हैं तो किनारे खड़े होकर आप अपनी बातचीत करते होते हैं, ये वैसा ही कार्यक्रम था। जिस समय किनारे नहीं खड़े हुए थे, आप मंच पर बैठे हुए थे, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, आपने देखी है, मुख्यमंत्री जी बैठे थे उस समय मंच पर, आप जरा बताइए, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वो कार्यक्रम हो रहा था या फिर वो श्रद्धांजलि सभा थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए? सर ऐसी बातें करके आप अपने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मतलब जो यहाँ पर देख रहे होंगे दर्शक, आपकी दलील से कोई सहमत नहीं होगा, कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ था उसके बाद भी लोगों ने इस पे रिएक्ट किया तो हमने खेद व्यक्त किया कि अगर इसको हमने गलत किया है, बुरा लगा है, तो हम खेद व्यक्त करते हैं, उसके बाद मामला सर, हम मशीन से क्या कि कार्यक्रम जब शुरू होगा तब हम अगर किसी की श्रद्धांजलि सभा में जा रहे हैं तो हम मुंह बना लेंगे, लटका कर बैठ जाएंगे, और उसके बाद जब खत्म हो गया कार्यक्रम तो हम स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाएगा, हम ड्रामा करते हैं क्या? हम नेता हैं इसलिए हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो नाटक करेंगे, हम ड्रामा करेंगे सर, मतलब हमारी जो संवेदनाएं हैं उसमें ड्रामा ज्यादा है। मीडिया किसी भी चीज को कैसे भी दिखाया ये नहीं होता, कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है, जब ऑर्गेनाइज होता है, बराबर में सरोज पांडे जी भी बैठी हुई थी, वो भी बैठी हुई थी, वो ठहाके नहीं लगा रही थी, आपको बाद में टोका भी गया, नहीं मतलब माइक पर बोलिए सर। अच्छा चलिए ठीक है, हम दोबारा से आते हैं मुद्दे पर। अब आरएसएस की तरफ से जिस तरीके का एक सलाह दी जाती है, नसीहत दी जाती है कि अभी भी राम मंदिर के मुद्दे पर आरएसएस कह रहा है कि भाई कानून के जरिए मंदिर बने, तो इस तरीके की जब सलाहें दी जाएंगी और वो मुद्दे हैं जो हम सब जानते हैं किस तरीके से राजनीति के मैदान पर उन पर जमकर राजनीति होती है, तो फिर अलवी साहब या कोई दूसरे राजनेता आकर विरोधी दल का नेता सवाल उठाएगा तो सवाल आपको सुनना भी पड़ेगा और जवाब आपको देना भी पड़ेगा, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं,
मैं आरएसएस पर कोई सवाल नहीं सुन सकता हूं। एक मिनट जवाब देने दीजिए अग्रवाल जी। नहीं देखिए, हम राम मंदिर के मामले में हम सवाल उठाने के लिए भी बोल रहे हैं, सवाल उठाइए, हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। ठीक, राम मंदिर कांग्रेस पार्टी ने कभी 70 सालों में नहीं बनाया, ना वो बनाएगी। अगर मंदिर कोई बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी और मोदी जी की सरकार ही बनाएगी। और आपको परिस्थितियां बनने दीजिए, उन परिस्थितियां जब भी होंगी और उसके हिसाब से राम मंदिर बनकर रहेगा, उसको कोई बनने से रोक नहीं सकता। सर लेकिन सवाल तो यही है ना कि कब बनेगा, क्योंकि रामलला जो हैं वो टाट में हैं पिछले 26 साल से, है ना, और बीजेपी के नेता जो हैं वो किस तरीके से टाट में हैं, मतलब दो सांसदों से पार्टी कहां पहुंच गई, आप सबके ग्राफ कहां से कहां पहुंच गए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। एक सेकेंड जवाब देने दीजिए प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई देश में अनरेस्ट पैदा कर सरकार नहीं, राम मंदिर नहीं बनाना चाहती, पूरे देश के लोगों को सहमत करके बनाना चाहती है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन 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 सुनिए सप्लीमेंट क्वेश्चन, फिर लगाम क्यों नहीं लगा पाते अपने ही उन नेताओं पर जो ऐसे बयान देते हैं जो उकसाने वाले हैं। गिरिराज सिंह साहब आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप ही की सरकार में मंत्री हैं, वो बताते हैं धमकी देने वाले अंदाज में देश को ये संदेश देते हैं कि भाई अगर नहीं बना राम मंदिर नफरत होगी, नफरत की ज्वाला फूटेगी 100 करोड़ हिंदुओं की। मतलब हिंदू को वो हिंसक बना रहे हैं, हिंदू क्या है, हिंदू बम है। आप हिंदू को भी बदनाम कर रहे हैं, आप अलग अलग समुदायों के अंदर नफरत भी भर रहे हैं, आप देश के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी नहीं कर रहे हैं कि इंतजार कर लिया जाए फैसला आ जाए। आप सरकार में हैं या तो फिर कानून ही बना लीजिए, मतलब आप कर क्या रहे हैं सर, देश को गुमराह कर रहे हैं ना कुल मिलाकर। अलग अलग चेहरे भी गुमराह नहीं कर रहे हैं, लोगों के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के व्यक्तिगत विचार क्या होते हैं सर, हो सकते हैं, हर मंत्री व्यक्तिगत विचार दे देगा। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंतर्गत फिर तो कोई मर्यादाएं हैं, लोगों की मर्यादाएं हैं, गरिमा मर्यादा कुछ नहीं, पर गरिमा मर्यादाएं सब हैं, परंतु कोई व्यक्ति अगर किसी मर्यादा को तोड़कर कुछ करता है तो पूरे समूह का विचार नहीं होता है, वो पूरी पार्टी का विचार नहीं होता है, वो उसका व्यक्तिगत विचार होता है। और इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने, किसी शख्स ने कोई बात कही है तो ये पूरे पार्टी का विचार है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और पार्टी ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। लेकिन इसलिए सवाल उठता है कि भाई कार्रवाई भी नहीं होती है, खुली छूट उनको दे दी जाती है, वो जब आते हैं तब किसी भी तरीके के बयान दें और फिर निकल लें। अच्छा आपसे मेरा सवाल ये है, आप ही के पास अच्छा दीजिए जवाब दीजिए। देखिए पहले तो मैं आपसे कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, सारे देश के लोग जब तक राजी नहीं होंगे तब तक मंदिर नहीं बनाना चाहते ये, तो इसका मतलब मंदिर कभी नहीं बनाना चाहते ये। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपके मैनिफेस्टो की आखिरी लाइन है अग्रवाल जी कि राम मंदिर को बनाने के लिए आप हर भरसक कोशिश करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 4.5 साल के अंदर आपने समझौता कराने की कोई कोशिश की, आपने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, आपने कौन सी कोशिश की कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं तो आरएसएस के मुखिया ने क्यों कहा कि कानून बना के कीजिए? आप में और उनमें कंट्राडिक्शन क्यों है? आप तो आरएसएस के प्रचारक हैं, आप मंदिर को सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। और आप, मेरी बात अधूरी रह गई थी, अब जवाब ले लीजिए, इतने सवाल आपने कर दिए वरना मामला भटक जाएगा जी। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं, ये दलील नहीं चलेगी। नहीं, क्यों नहीं, अभी आप खुद कहते हैं कि आप उसके मैं स्वयं सेवक हूँ, बिल्कुल है, मैं स्वयं सेवक और हूँ, बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हूँ जी, मैं स्वयं सेवक हूँ, बीजेपी का नेता भी हूँ, पर बीजेपी आरएसएस को गवर्न नहीं करती और आरएसएस बीजेपी को गवर्न नहीं करती। आरएसएस के संघ प्रमुख के बयान हो सकते हैं, परंतु उसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या कोशिश करनी चाहिए वो कोशिश करेगी। लेकिन संघ प्रमुख की नाराजगी क्या बीजेपी उठा सकती है? क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो वो संघ का कार्यकर्ता ही होता है जिसे निर्देश संघ प्रमुख की तरफ से दिए जाते हैं, जो जाता है घर घर में, लोगों को बूथ तक लेकर आता है और तब वोट पड़ते हैं? यही आपकी सबसे बड़ी ताकत जो आप लोग खुद गिनाते हैं? आपका सवाल ये होना चाहिए, आप क्या आरएसएस के प्रमुख के विचार के खिलाफ हैं? आप कहिए कि हाँ, मैं उसमें सहमत हूँ, तो मैं उसकी तरह पूरी तरह सहमत हूँ। बताइए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। सबके रोल अलग अलग हैं, जब हम सरकार में बैठते हैं मैं सहमत हूँ, जब रोल अलग अलग होते हैं, हम सरकार में बैठे हैं तो हमारा दायित्व लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, हम कोई विपक्ष में नहीं है।
आज अगर छत्तीस देश की परिस्थितियों को प्रमुख क्या इतने ना समझ है कि वो देश के अंदर सामाजिक तौर पर कानून व्यवस्था के लिहाज से किस तरीके की दुश्वारियां हो सकती हैं, उनकी सलाह के बाद उससे अनजान है? वो ना समझ नहीं है। हाँ जी, वो सरकार को एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है और सरकार उस दिशा में विचार करेगी, देखेगी अगर हो सकता है। अग्रवाल साहब, ये गाइडलाइन है। अच्छा ठीक है, राम मंदिर, राम मंदिर से आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर के मुद्दे से आगे बढ़े सर, बाकी मुद्दे भी हैं, रफेल के मुद्दे पर आ जाइए अलवी साहब, अलवी साहब आगे बढ़ने दीजिए। अच्छा कह दीजिए, चलिए। अग्रवाल साहब, अगर आप आरएसएस के मुखिया की बात से सहमत हैं तो जो वो कह रहे हैं वो क्यों नहीं करते आप? आप कानून बनाने की बात गिना तो रहे हैं ना, कितनी बार वो जवाब देंगे? एक ही बात को आप दोहरा रहे हैं। आप मुझे बताइए, राम मंदिर या रफेल? कांग्रेस तो लगातार रफेल के जरिए घेराबंदी कर रही है ना, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किससे बड़ा फायदा मिलेगा, रफेल से या राम मंदिर से? देखिए, मैं रफेल पे भी आ रहा हूँ। जब तीन तलाक पे आपको कानून बनाना होता है तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हो, राम मंदिर पे कहते हो कि हम देखेंगे, हम सोचेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा भी कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को बगैर वजह छोड़ दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब रहा राफेल का सवाल, तीन तलाक पर साथ देने में तो बड़ी आनाकानी की आप लोगों ने। राज्यसभा में लेके आई क्या ये? मतलब आरोप उन पर राज्यसभा में लेके, अब ये लोगों के घरों में झांकने लगे हैं, लोगों के व्यक्तिगत घरों में झांकना तो बंद कर दीजिए। अब आप राफेल की बात, सीडी को लेकर वैसे ही बदनामी हो रही है अलवी साहब। आप मुझे बताइए, बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव में, राफेल या राम मंदिर? देखिए, सबसे बड़ा राफेल कोई छोटा मुद्दा है? राफेल कितना बड़ा मुद्दा है? और सीबीआई के डायरेक्टर को छुट्टी पे क्यों भेजा आपने? चूंकि वो राफेल के कागजात कलेक्ट कर रहे थे, यही तो नाराजगी आपकी। उस डायरेक्टर को प्रधानमंत्री ने छुट्टी पर भेज दिया कि राफेल की सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। आपने अपने डिफेंस मिनिस्टर को आउट ऑफ वे फ्रांस क्यों भेजा? क्या कारण है आपको फ्रांस भेजने का? सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस इशू कर दिया है राफेल के मामले में, आप क्यों नहीं बता रहे कि राफेल जो एक रुपए की चीज थी वो आपने तीन रुपए में क्यों खरीदी है? ठीक है, आप कह रहे हैं सीक्रेट है सर, उसके मेरिट पर हम को नहीं बता सकते, हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ, अग्रवाल साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, वो जाकर जगह जगह नारे लगा रहे हैं कि भाई गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, इस तरीके के अगर छत्तीसगढ़ में आकर वो प्रचार के अंदर नारे लगाएंगे, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा आपकी नजर में? देखिए, कांग्रेस के पास अगर वो छत्तीसगढ़ में आए हैं तो छत्तीसगढ़ के किसी मुद्दों पर बोलते। राफेल का मुद्दा छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, नहीं है, और यहाँ की जनता को उससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है और इस मुद्दे को किसी फोरम पर वो चिपका नहीं पाई है, खाली मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। अब तो राफेल के साथ सीबीआई भी जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई में जो कुछ हो रहा है वो राफेल के अंदर जो घालमेल है उसे छिपाने के लिए। सीबीआई मुद्दा होगा छत्तीसगढ़ में या कोई नहीं मुद्दा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए दलवी साहब यहाँ पर छत्तीसगढ़ अलवी साहब छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए नहीं आए हैं। हाँ। ये तो देश की राजनीति करने के लिए आए हैं। हाँ। राफेल के मुद्दे को उठाने के लिए आए हैं, राम मंदिर के मुद्दे को उठाने आए हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हार जाए तो हार जाए। हाँ। अलवी साहब को इससे कोई मतलब नहीं है, इसके छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। आरोप कांग्रेस पर लगते हैं सर जबरदस्त तरीके से कि कांग्रेस जो है उसकी स्थिति हो जाती है ना माया मिली ना राम, क्योंकि कांग्रेस नब्ज ही नहीं पकड़ पाती। आप लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, लेकिन फोकस आपका ऐसा 2019 के लिए कि यहीं के मुद्दे नहीं उठाएंगे आप, रफेल सीबीआई, आपको लगता है रफेल और सीबीआई जो है वो यहां पर जनता के साथ उसमें कोई तालमेल बन पाएगा? एक तो आपकी मैं इज्जत करता हूं, ये सारे लोग गवाह हैं। रफेल की चर्चा मैंने की कि आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, क्योंकि बार बार आपकी तरफ से सवाल उठाया जाएगा। मैं तो कह रही हूँ चुनाव प्रचार में राहुल गांधी नहीं उठाएंगे क्या रफेल का मामला, ये बता दीजिए आप यहाँ कह जाइए कि नहीं आएंगे प्रचार में, आएंगे रफेल की बात नहीं उठाएंगे, कहिए आप। आपका ये हाइपोथेटिकल है कि राहुल गांधी उठाएंगे सर, राजस्थान में उठाया या नहीं उठाया? राजस्थान में प्रचार करने गए, उठाया या नहीं उठाया? नारा कहाँ लगाया था, ये गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, क्या ये तो राजस्थान में ही जाकर वो लगा कर आए थे? क्या छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान से बाहर है? हाँ, तो आ राफेल ना का मामला सिक्योरिटी का मामला है, अभी कह रहे थे मैंने देश उठाया, के हर नागरिक का मामला है। नहीं, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इल्जाम नहीं सर, मैं तो सवाल सीबीआई का मामला देश का मामला है। अगर सीबीआई पे देश के लोगों का भरोसा टूट जाएगा, आज हर आदमी कहता है हमारा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराइए, अब कौन कहेगा कि सीबीआई से कराइए? और जहां तक आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, 41% लोग छत्तीसगढ़ के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है,
और ये जो डाटा जो है जो मैं आपको दे रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी आपके एमपी हैं, वो बयान दे चुके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डाटा देती है वो स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री पे दबाव डालती है कि डाटा बढ़ा चढ़ा के दो, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो और चाहे इस तरीके का मामला। नहीं, नहीं, ये आंकड़ा जो कह रहे हैं तो वाकई में केंद्र सरकार की तरफ से सामने आया हुआ आंकड़ा है कि 41% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन अगर बात करें कि चुनाव कटोरा है ना, धान के कटोरे में 41% लोगों की ऐसी हालत शर्मनाक है और आपके बड़े बड़े विकास के दावे नहीं है। जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दिन यहाँ की पर कैपिटा इनकम 14,000 रुपए थी, आज पर कैपिटा इनकम 92,000 हुई है। कांग्रेस के जमाने में 70 सालों में 14,000 और हमारे 15 सालों में 92,000 पर कैपिटा इनकम हमने यहाँ पर बढ़ाई है। आज लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। वो आंकड़े दे रहे हैं। ये खाली आज छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट, जिस स्टेट को 50 साल तक इन्होंने नक्सलवाद की गिफ्ट में रखा, पूरा बस्तर, आज अगर वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर एजुकेशन हब बन रहा है, वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज खुल रही है। पहले छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 11 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले छत्तीसगढ़ में 10 ITI होती थी, आज 250 ITI हैं। पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 150 कॉलेजें होती थी, आज 450 कॉलेजेस हैं। आज छत्तीसगढ़ में IIM है, आज छत्तीसगढ़ में IIT है, आज छत्तीसगढ़ में लॉ यूनिवर्सिटी है, आज छत्तीसगढ़ में जितने भी एम्स है, आज छत्तीसगढ़ में जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में खुले हैं। और ये अगर खोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। नहीं नहीं सर, मुझे वो दीवार फिल्म का डायलॉग याद आ गया, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन सवाल तो कांग्रेस से ये कि कांग्रेस के पास मायावती भी नहीं है। एक सेकंड, और कांग्रेस के पास मायावती भी नहीं है, क्योंकि मायावती के आश्रय लग रहा था कांग्रेस को कि बड़ी आसानी से छत्तीसगढ़ के अंदर जीत हासिल कर लेगी। वोट प्रतिशत हम सब जानते हैं कितना छोटा सा फासला होता है। तो सर मतलब डूबता जहाज कांग्रेस, ये कि साथी भी भाप रहे हैं ऐसे, तो 2019 के लिए बड़ा सेटबैक है ना आप लोगों के लिए। देखिए, कौन पार्टी किसके साथ अलायंस करता है ये कोई मुद्दा नहीं बन सकता है। रामविलास पासवान आपको छोड़ने को तैयार हैं, शिवसेना रोज आपके खिलाफ बयान देती जो आपके छोड़ नहीं रहे ना सर, लेकिन मायावती ने तो लेकिन हाथ मिलाया। मैं वापस वहीं आता हूं। जी, छत्तीसगढ़ के अंदर 20-25 चपरासियों की एक वैकेंसी निकली थी। आपको मालूम है कितने लोगों ने अप्लाई किया? 75,000। ये आपका विकास है? 75,000। और उन 75,000 लोगों में इंजीनियर्स, MA पास, ग्रेजुएट पास, ये आपका विकास है सर? ये तो देश की तस्वीर है, देश की हकीकत है। राज्य तो सरकार कोई भी हो, देश की आबादी, देश के हालात, अगर उस बहस में हम पड़ेंगे तो फिर 70 साल के राज को लेकर इस तरीके के सवाल उठेंगे। कार्यक्रम में समय मेरे पास इतना ही है, आप मुझे इतना बता दीजिए छत्तीसगढ़ को लेकर आपका आकलन कितनी सीटें। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो आप देश की करने लगती है। नहीं, जब मैं देश की बात करता हूँ तो आप छत्तीसगढ़ की करती है। सर कुछ अलग गिना नहीं पाते है ना आप, कुछ अलग गिरा नहीं पाते, घेराबंदी आप लोग कर नहीं पाते, घूम फिर कर वही बातें। तो अब सीटें बता दीजिए, आप लोग अगर जीत का दावा कर रहे हैं तो कितनी सीटें? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, पांचों स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और 2019 के अंदर प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। चलिए, एस्ट्रोलॉजर नहीं लेकिन अनुभवी नेता ये आकलन जो हमारे सामने रख रहे हैं। अग्रवाल साहब, आपका आकलन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने यहाँ के कार्यकर्ताओं को +65 का संकल्प दिया है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 65 सीटों से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और ये विकास के दम पर हम जीत कर आएंगे। आप जीत रहे हैं या नहीं? क्योंकि देखिए, मेरे पास रिसर्च ये कहती है कृषि मंत्री जो होता है ना प्रदेश का, वो चुनाव हार रहा होता है हर बार, अगली बार अपना बता दीजिए सर। मुझे लगता है शायद आपको रायपुर के बारे में जानकारी नहीं है। ना, मैंने तो आंकड़ा पूछा सर, मैंने तो जो रिसर्च की थी उसके नहीं, आपके पास में जानकारी नहीं है। कृषि मंत्री हारता है ना हर बार? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? रायपुर शहर की जनता ने जी मुझे 6 बार जिताया है, आशीर्वाद दिया है और हर चुनाव में, पहला चुनाव 2,500, दूसरा 7,000, तीसरा 12,000, चौथा 15,000, पांचवा 25,000, छठवा 36,000 और इस बार छत्तीसगढ़ रायपुर की जनता इतना आशीर्वाद देगी कि वो शायद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट। नहीं नहीं, तो अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो बधाई हो एडवांस में सर, फिर तो रमन सिंह के लिए मतलब बड़ी चुनौती आप ही खड़ी करने वाले हैं।
देखिए जरा आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, मतलब फिर तो सीधे सीएम के चेहरे के तौर पर बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। मैं चुनौती किसी के लिए नहीं हूँ, मैं चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए हूँ जो आज तक कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है और वो तय कर पाएगी भी नहीं। और मेरी चुनौती, हमारे बारे में निर्णय कोई करता है तो हमारी पार्टी करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। अच्छा कही कही कह दूं, अभी आपने कहा अमित शाह जी ने ये टारगेट रखा है। अरे अग्रवाल साहब, इन लोगों से पूछिए, यहाँ के अखबारों में छपा है कि जब अमित शाह यहाँ आए थे महिलाओं की बेइज्जती हुई थी। आप किस अमित शाह की बात कर रहे हैं? अखबारों के अंदर वो फोटो छपे, मैं तो वो अल्फाज जबान से नहीं निकाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए। कुल मिलाकर चुनावी मौसम, नेताओं के ये आरोप प्रत्यारोप यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन अब फैसला करने की बारी जनता की है। शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप, हम फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर कुछ और खबरों के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।